काश तुम सामान अंदर रख लो। हाँ हाँ पानी पी लीजिए। नहीं कॉफी पियेंगे पापा? रहने दो, नहीं थोड़ा आराम कर लीजिए। हाँ सिर दबा दो आपका, थोड़ा आराम मिल जाएगा। बीमार लग रहा हूँ। सब लोग कपड़े बदलने के लिए यहाँ करके बैठ गए। बदलते हैं ना। हाँ बाबा आपकी पसंद का रविशंकर का रिकॉर्ड बजाओ। बेटा आज पितर वक्त के सारे रिकॉर्ड तोड़ रहे तुम, क्या बात है? नहीं बस सोचा कि आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। तो इट वॉज अ नाइस टॉक ना प्रकाश। हाँ और लोग कह भी रहे थे कि भाई जी का भाषण एकदम टू द पॉइंट और बढ़िया था। झूठ बोलने की भूल लगेगा तुम्हें? झूठ कैसे, सच ही तो कह रहे हो। क्या तुम ये सोचते हो कि जो मैं बोलता हूँ सुन नहीं पाता? मुझे पता है मैंने क्या बोला, जो बोला वो किसी काम का नहीं था, पूरा का पूरा खराब था। बट हमें तुम्हारा भाषण अच्छा लगा। हाँ बाबा तुम पर भी इन्हें होता आगे सेवा कि अपना स्वभाव छोड़ के तुम मेरी हाँ में हाँ मिलाओगी। तुम अच्छे से जानती हो कि वहां मेरी वाणी के साथ बलात्कार हुआ है। पर तुमने तो वही कहा ना जो तुम जाहिर करना चाह रहे थे। मैं उस किताब के बारे में कोई अपनी अच्छी राय नहीं रखता हूँ। लेकिन उस दिन तो तुम पुस्तक पढ़कर सब कुछ अच्छा बोल रहे थे। उस दिन मैं ना समझता, मूर्ख था, पर आज नहीं हूं। वो पुस्तक कोई उपन्यास नहीं है, वो एक आत्मकथा है, यथार्थ में जीने वाली एक तस्वीर है। और जो भी कुछ किया मैंने अपनी बेटी के लिए किया ताकि वो खुश रह सके, उसे अच्छा लगे। चलो जो भी है, पर मैं शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरी बात मानी और उस पुस्तक विमोचन में चले गए। मैंने तुम्हारे लिए नहीं किया तो? मैंने मासूम और मेरी जिद्दी बेटी जिसने मेरी मर्जी की खातिर अपनी जिंदगी का सत्यानाश कर लिया, और उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं। उसने ना जो भी किया अपने जिद में किया, और तुम खुद पे ना ऐसे ही ब्लेम कर रहे हो। नॉट एट ऑल। तुम ना अगर उसे रोकते भी ना तब भी वो वही करती जो उसको करना था, जो उसने कर लिया। तुमने फिर भी इशारा किया, लेकिन मैंने तुम्हारी कहां सुनी? सवार था मुझसे भूत, वर्ण भेद को मिटाने का, जात पात को जड़ से उखाड़ फेंक देने का, और उसका नतीजा क्या निकला? आखिर मैंने अपनी बेटी को ही दुखों में धकेल दिया। बाबा प्लीज, क्या ये सब कहना जरूरी है? तो कभी कभी आत्म परीक्षा भी तो करनी चाहिए ना, उसका फल मिले या ना मिले। तुम ना खुद पे ऐसे ही ब्लेम कर रहे हो। नहीं ऐसा नहीं है। तो फिर खाम ख्याली है तुम्हारी है। तुम्हें लगता है कि मैं इतना सेंटिमेंटल हूं? अरे राजनीति में मुझे मगरमच्छ की खाल बख्शी है। बाबा आज सुबह भाषण देते वक्त आपकी आवाज थकी थकी लग रही थी। गलत। अरुण अठवाले का मास्टरपीस पढ़ करके मेरा गला नहीं भरा था। मैं शब्दों को इकट्ठा कर रहा था, सुंदर सुंदर शब्दों को, और उन्हें मैदान में उतार रहा था, उनकी हत्या कर रहा था। मैंने जानबूझ के अपना गला भरा था, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और हाँ ठीक हूं मैं, कुछ नहीं हुआ मुझे। तुम पानी पियो।